तो जो आपके कंट्रोल में है आप उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो देश को कैसे संभालेंगे आप? ईडी सीबीआई मुझे दे दो, अगले हफ्ते से आज तक के स्टूडियो में बच्चों का आना बंद हो जाएगा। ये और 70 साल तक देश में तरक्की हुई, 70 साल नहीं आने बीच वाले, बीच वापस में देख मैं फिर कहूंगा 70 साल। हाँ, ईवीएम कब्जे में रहेंगे तो नहीं आएंगे हम। उनका लास्ट सेंटेंस है वो, उसके बाद जाती है तो इसका मतलब आपने झूठे आरोप लगाकर बदनाम किया था। ठीक है, तो फिर ग्रामीण मकान 3 करोड़ है और शहरी 1 करोड़ है, जोड़ लीजिए 4। इतना डर है राहुल गांधी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, पीड़ा चौहान बेकार की बात कर रहे हैं, उनके वो मुख्यमंत्री थे तो घोटाला कर रहे हैं, बचाओ नहीं तो ईडी आ जाएगी। तो उनके अपने विधायक कह रहे हैं हमें राहुल गांधी के साथ नहीं रहना, तलाक तलाक तलाक, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं राहुल गांधी? जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए आगे नई डिबेट, और डिबेट हो रही है गौरव भाटिया बीजेपी से और आलोक शर्मा कांग्रेस से। दोस्तों आजकल कांग्रेस के प्रवक्ताओं का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जब भी डिबेट होती है तो सामने वालों को बोलने ही नहीं देते। पहले ये काम सुप्रिया सरनेत करती थी और अब आलोक शर्मा कर रहे हैं। वहां पर बैठे हुए बच्चों ने जब आलोक शर्मा से सवाल पूछ लिया तो उन्होंने कह दिया ईडी और सीबीआई अगर हमारे अंडर हो तो आप लोग आज तक इस स्टूडियो में बैठ नहीं सकते। इससे पता लगता है कि उनका मानसिक संतुलन क्या है, मतलब कि उन्होंने कांग्रेस के दिवालियापन का पूरा चित्रण पेश कर दिया। तो देखते हैं डिबेट क्या हुआ आलोक शर्मा के साथ। इस डिबेट बोल रहे थे, सवाल ये है कि जब आपकी जो पार्टी है वो ये कोशिश कर रही है कि हम कैसे ही लोकसभा की सीटों को जीत जाएं, आपके हिमाचल में आपके पास बहुमत थी फिर भी आपका राज्यसभा का जो एक सीट थी उसको आप नहीं जीत पाए, और आपकी जो अलायंस है वो भी बिखरती हुई नजर आ रही है, तो जो आपके कंट्रोल में है आप उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो देश को कैसे संभालेंगे आप? ईडी सीबीआई मुझे दे दो, अगले हफ्ते से आज तक के स्टूडियो में बच्चों का आना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपकी आजादी ले, मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहे ऐसी पार्टी के लिए वो मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट में। नहीं नहीं, लेकिन आप सवाल डक कर गए। नहीं, हिमाचल प्रदेश में जो बीमारी है ना वो इससे ज्यादा गहरी है। विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र सिंह के बेटे हैं वो, उनकी और विक्रमादित्य सिंह जी का बयान तो आपको याद है, लेकिन आज गडकरी जी का बयान याद नहीं है आपको? गडकरी जी क्या कह रहे हैं, एक बार सुन तो लीजिए ना मैम, आज गडकरी जी क्या कह रहे हैं आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुना होगा, जवाब कि गरीब भी परेशान है, दलित भी परेशान है, किसान भी परेशान है। मेरे पास ऑडियो है, मैं अभी ऑडियो चला दूंगा, फिर दिक्कत होगी आपको, मुझे भी दिक्कत होगी। अरे सुनिए ना भाई, दिक्कत होगी और आप अभी सुनिए ना भाई, अगर उनके झूठे झूठे आंकड़े परोसने का काम बीजेपी सरकार करती है। मेरे भाई ने कहा अभी 45 करोड़ मुद्रा लोन दी, बिल्कुल कहा आपने, यहाँ पर 100 के करीब लोग। सर आप फिर सवाल से निकल गए, मैम एक सवाल से निकल, मैडम आप वो कुछ भी बोलते रहे, आप उनको नॉन स्टॉप बोलने देते, बिल्कुल नहीं, गलत बात है ना मैम। मैं उनके केवल आंकड़ों पर पूछ रहा हूँ, यहाँ पर देश कैसे संभाले? अरे मैम सुनिए ना, देश संभाला है 70 साल तक और आगे भी संभालेंगे, और 70 साल तक देश में तरक्की हुई, 70 साल नहीं आने बीच वाले, वापस मैं फिर कहूंगा 70 साल। हाँ ईवीएम कब्जे में रहेंगे तो नहीं आएंगे हम, दिक्कत प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है, या तो आप बीच में मुझे टोकेंगे या ये टोकेंगे मुझे, दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा, दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा मुझे। नहीं ये गलत है, मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही दोनों बोल लीजिए। इतनी आपने देश के दर्शक देख रहे हैं, क्या पूरा करने, देश का उनका लास्ट सेंटेंस है वो, उसके जब झूठ नहीं है यार, क्या कर सकता हूँ भाई, उनकी झूठ पकड़ी जाती है तो तिलमिलाहट होती है, वो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है, दर्शक देख रहे हैं। अब वो सवाल से भी डक नहीं करने देंगे, बच्ची ने पूछा जब आपकी पार्टी में आते हैं तो क्या सारे धुल जाते हैं? देखिए पहले इनके सवाल का उत्तर दे देता हूँ, हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अगर आता है अशोक चौहान को क्लीन चिट दे दिया आपने, देखिए हाँ या ना? मैं हेमंत विश्व शर्मा को क्लीन चिट दे दिया आपने, हाँ या ना? कर रहे प्रवक्ता, हेमंत विश्व शर्मा आरोपी है कि नहीं भ्रष्टाचार के, हाँ या ना? ठीक है जवाब दीजिए। मैं आपको देखिए दो तथ्य, झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, ये है कांग्रेस का आरोप, आप लगाएंगे फिर अपनी पार्टी में ले लेंगे और फिर कहेंगे साहब वो तो ईमानदार है, ठीक क्या तरीका भाई ये?
तरीका आपको नहीं झूठे आंकड़े देंगे नहीं सीख पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 4 करोड़ मकान दे दिए, वित्त मंत्री कहते हैं 3 करोड़ दे दिए, आप 5 बोल जाओ यहाँ पर खड़े होकर। ग्रामीण ग्रामीण मकान 3 करोड़ है और शहरी 1 करोड़ है, जोड़ लीजिए 4, राहुल गांधी से हो नहीं पाएगा। बेवकूफी की बात करते हैं आप अभी, इतना डर है राहुल गांधी से। ठीक है चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल, एक सेकंड रुक जाए रुक जाए, क्योंकि मेरे मेरे बस की नहीं आप दोनों को चुप कराना। आलोक जी प्लीज, अंजना जी तो हो गया ना, आपने बोल लिया लगातार, अब सुन लीजिए प्लीज सर। मुद्रा लोन कितने दिए आलोक जी? आलोक जी एक बार इधर देखिएगा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 33 करोड़, आलोक जी ये कह रहे हैं 45 करोड़, 50 करोड़ बोल दो ना भाई, देख लीजिए। मैं 50-60-70 हमारे युवा साथी बैठे हैं, अगर एक ने लिया हो तो बता दो। बताइए देखिए, जब आदर्श घोटाला हुआ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे, आज भी कांग्रेस पार्टी में है। अगर चौहान का रिजिग्नेशन हुआ था उसी घोटाले की वजह से, अब देखिए हमने लिया था रेजिग्नेशन, आरोप लगे ऐसे कोई बहस होती है? नहीं नहीं आप गलत स्टेटमेंट, आप गलत स्टेटमेंट, आप काउंटर के लिए मौका दूंगी ना, एक साथ दो लोग कैसे बोल सकते हैं, अपनी अपनी बारी में ही बोलिएगा ना सर। तो ये नहीं पता कौन सीएम कब लीजिए, इनको ये नहीं पता अभी कांग्रेस में नहीं है पृथ्वीराज चौहान, बेकार की बात कर रहे हैं उनके, वो मुख्यमंत्री थे तो घोटाला कर रहा है, निकाल दीजिए पार्टी से। आलोक जी बेकार की बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान पे लगाया था या अशोक चौहान पे? जी सुनिए बताइए ना, इनके मुख से एक बात निकली, इन्होंने कहा ईडी सीबीआई मुझे दे दो तो मैं दिखा दूंगा, मजा चखा दूंगा सबको। अरे सीबीआई पार्लियामेंट में खड़ी होकर कह रही है चुप हो जाओ, नहीं तो ईडी आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे शांत, आपकी सांसद कह रही है नई दिल्ली से, भूल गए उसको मीनाक्षी लेखी को, ऐसे चर्चा का चुप रहो, नहीं तो सांसद ईडी आ जाएगी। ये सड़क छाप नहीं क्या बना देते, क्या सड़क छाप आपके सांसद है जो संसद में बैठकर ईडी की धमकी दे रहे हैं, जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं, आपके सांसद ने धमकी दी, ऐसे नहीं बोल पाऊंगा, बताइए मुझे क्या करूं मैं, तरीका ठीक है? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बहन ने सवाल नहीं, आलोक जी आप केवल ये बता दीजिए, एक सांसद ने पूरी भरी संसद में ये धमकी दी के नहीं, क्या चुप हो जाओ नहीं तो ईडी आ जाएगी, क्या उसको पार्टी से निकाला? मीनाक्षी लेखी जी ने बोला था और माफी मांगी गई, वो उचित नहीं है बिल्कुल, यहाँ बोल रहा हूँ डंके की चोट पे। अब सुनिए, जब इन्होंने ये बात कही चोट पे ईडी सीबीआई दे दो, सबके पीछे लगा दो, सीबीआई चोट पर, सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है ये। अरे भाई आपने तो स्वायत्तता दे दी, और सरकार थी इनकी स्वायत्तता दे दी होगी, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है ये कह के सर्वोच्च न्यायालय में 14 पार्टियां और इनकी जो याचिका थी वो निरस्त कर दी गई, क्या ये सच्चाई? भाई मुझे केवल ये बताइए, आपकी सांसद ये देश की धमकी दी थी कि नहीं दी थी? समझदार है वो नहीं बताएंगे कि ईडी की धमकी दी थी? सीबीआई की कमान उसी को देती है जो प्रधानमंत्री ईमानदार होता है, और अगले 10 जन्मों में भी गांधी परिवार का कोई सदस्य ना कांग्रेस पार्टी डर है प्रधानमंत्री परिवार का, देश की आजादी भ्रष्टाचार नंबर वन आप के लिए, लेकिन आपसे ये ऑडियो डाउन कर दीजिए नेताओं की, ऑडियो डाउन कर दीजिए एक सेकंड, आप इसको स्ट्रीट फाइट मत बनाइए प्लीज प्लीज। सवाल मेरा सवाल गौरव जी से है सर, अभी मिजोरम समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, मोदी जी ने सब जगह रैली की, मिजोरम नहीं गए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य था इसलिए। ठीक, एक साथ गौरव जी आपसे ही सवाल है, प्रधानमंत्री ने खुद अजित पवार को बोला है कि वो उन्होंने घोटाला किया है, सबसे ज्यादा घोटालेबाज है, लेकिन फिर उनपे कार्रवाई नहीं हो रही, वॉशिंग मशीन कुछ किसका नाम लिया आपने? अजित पवार का। हाँ जी सर, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है पर हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन है लेकिन लोगों के पास उतनी सैलरी नहीं है। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत सारे हैं जो आज सवाल पूछ रहे हैं। हाँ ठीक सर, आपने कहा कि आप महंगाई कम करें, आप भ्रष्टाचार कम करें, आज ही न्यूज आई है कि 26 रुपए महंगा हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर, तो फिर आपका क्या कहना है मिडिल क्लास? तो मेरा सवाल आपसे है कांग्रेस प्रवक्ता जी कि हिमाचल में क्या हुआ सबने देखा, तो आखिर क्या उससे पहले चुनाव से पहले सुखू जी एक बयान देते हैं कि उसमें आखिर कोई नेता अगर बिके नहीं तो हम जरूर जीतेंगे, क्या सुखू जी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? मेरा सवाल सर से, अगर सर कांग्रेस पार्टी इतनी सच्ची और ईमानदार है तो उनको लोकसभा में आने के लिए गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? विमान है जो गठबंधन करके चल रहे हैं मेदी जी के, इसी को डांटने लगेगा उसको, सवाल वोट अपने कम करने आए पहले अंजना जी, अंजना जी वो अपने ही वोट कम करके पहले आप जवाब दे दीजिए, डिबेट में कम करने दो सवाल आपसे थे दोनों का जवाब दे दीजिए फिर कंक्लूडिंग। 2014 में 48 पार्टियों के साथ मोदी जी आए थे, फिर वो घट गई, आज 38 बताते हैं, किसी का कहीं बता पता तो है नहीं। 1989 के बाद गठबंधन की ही सरकारें हैं और मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो भी गठबंधन की सरकार। मैं उत्तर दे दूं प्लीज, टाइम खत्म। हिमाचल पर भी एक प्रश्न था, देखिए हिमाचल में जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है, ऑपरेशन कमल को फेल किया गया है,
ऑपरेशन कमल को हमारे यहाँ पर जो स्लीपर सेल से सांसद उनका चुना, मैं फिर बताता हूँ, फिर बताता हूँ, वो भी हमारे यहीं से कांग्रेस से गया हुआ है, नहीं गया हो तो बता दीजिए। इसी बात से खुश है? नहीं कह रहा हूँ खुश है, बात ये है, बात ये है, बात ये है कि जब जब चला गया, अरे सुनने की हिम्मत रखी, जब उनको पता था कि 43 विधायक हमारे पास हैं, उनके पास 25 हैं, तो क्यों कैंडिडेट खड़ा किया गया था? इसलिए कि हॉर्स ट्रेडिंग कराई जा सके, और वो एक राज्य में नहीं हुई है, वो उत्तर प्रदेश में भी हुई है और तमाम जगह पर हुई है। खरीद फरोख्त, नोटबंदी का पैसा और इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का पैसा आपके विधायकों को खरीदने के लिए और आप लोग तालियां बजाते हैं। 25 विधायक थे फिर भी आपने खड़ा किया, आपको पता था कि किधर से कहां से खींचेंगे? भारतीय जनता पार्टी, हाँ, तो क्या किया तो उनके अपने विधायक कह रहे हैं हमें राहुल गांधी के साथ नहीं रहना, तलाक तलाक तलाक, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं राहुल गांधी के साथ? गजब बात कर दिया जी आपको, तलाक हमने चुका दिया, पार्टी से बाहर कर दिया, बोले आप सुनिश्चित करेंगे अगर आप, प्लीज। मेरे पास पहला सवाल आया, इन्होंने पूछा नॉर्थ ईस्ट के बारे में, 56 बार नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट गए हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी उन्हीं की तरफ से है। मणिपुर कब गए थे लास्ट टाइम? शांत करा लिए, मणिपुर कब गए थे? अमेरिका जी गए थे, अगर आपको नहीं पता, अमेरिका जी गए थे और उसके उनके रहते हुए वहां पर दो बच्चियों का जिस तरह से नेकेड परेड, आलोक जी आपके बीच में नहीं बोल रहे हो, पता नहीं चला, आलोक जी एक बार सवाल पूछ लीजिए अगर आपको पूछा, लेकिन लगातार मत बोलिए ना। दूसरी बात, इन्होंने जीडीपी की करी, तो मैं कहता हूं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 8.4% से इस क्वार्टर में बढ़ी है और औसतन पिछले 10 साल में 7+% से बढ़ रही है। यह है नरेंद्र मोदी जी की ताकत, महंगाई पे महंगाई बढ़ा दी, जब भी आज पेट्रोल डीजल बढ़ा दिए इन्होंने, क्योंकि कमाई बहुत हो रही है, जनता पर बोझ डाल रहे हैं। ऐसे आप उत्तर दे सकती है? अगर आपकी क्षमता है तो आप दे दीजिए। मैंने ऐसे हम लोग 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी, केवल टैक्स लगा के जब सब ऑनर होते हैं तब तो मैं ये सुनिश्चित करती हूँ एक बार मैं कहती, लेकिन यहाँ मैं किसी के मुंह की थोड़ी बात करती हूँ। 40 आलोक जी आप नॉनस्टॉप 40% पेट्रोल डीजल के प्राइस घटे, लेकिन अकेला देश हिंदुस्तान टाइम नहीं है, अब इसे आपको लगातार बोलना होगा अगर जवाब देना है। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं मुंह उनका बंद कर दूं। दूसरी बात, जीडीपी की फिजिकली नहीं कर सकती, तो तथ्य ये है 76,000 रुपीज थी पर पर्सन, आज 1.5 लाख रुपए है, डबल हो गई। कितनी थी इन्फ्लेशन? कितनी इन्फ्लेशन? बाद में होमवर्क करके आइएगा, शो खराब हो जाएगा। फिर पकड़ो, अच्छा इन्फ्लेशन इनके समय में डबल डिजिट था, हमारे समय में औसतन 4.5% रहा। तो देखा आपने किस तरीके से आलोक शर्मा डिबेट में शोर मचा रहे थे और गौरव भाटिया को बोलने ही नहीं दे रहे थे, जबकि अंजना कश्यप भी उनसे कह रही थी कि शर्मा जी आप बहुत बोल रहे हो, थोड़ा सुन भी लीजिए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी, डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।